हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 99% यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है आपका, एक आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इसका फार्मूला होता है, जब आपसे पूछे कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जब इस तरह का दिया हो तो कुल प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होगा कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और जितना आएगा उसमें आपको प्रतिशत लगा देना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप क्या करेंगे, 10% को x मान लेंगे और 15% को y। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप रख देंगे इस फार्मूले पर, 10 x को क्या माने हैं, 10, यहाँ पर लिख देंगे 10 प्लस y किसको माने हैं 15% को, तो यहाँ पर लिख देंगे 15, 10 प्लस 15, फिर यहाँ पे लिख लेंगे प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस हो गया, फिर यहाँ पे एक्स वाई, इसका मतलब कि इन्हीं दोनों का गुणनफल एक्स वाई का, तो हो जाएगा 10 गुणते 15 बट्टा के 100। ठीक है, इसको आपको काट लेना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 10 से 10 यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, इसको काट लेते हैं 5 से, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 15 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 10 15 25, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए, ऊपर 3 बचा है और नीचे 2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस 2 का 25 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50, और 50 में 3 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 50 3 53/2। जब आप 53 में 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 26.5, और इसमें आपको क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 26.5% का। ये फार्मूला कब के लिए, देखिए ये कब इस फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे, कुल प्रतिशत वृद्धि। इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि, यानी जब आकृति दी हो और उसके दोनों भुजाओं में वृद्धि हो। ठीक है, उसके दोनों भुजाओं में वृद्धि हो, दोनों भुजाओं में क्या हो, वृद्धि हो, तब इस फार्मूले का आप प्रयोग करके सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।